तो अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। महविश बेटा क्या कह रही हो? प्लीज इस आदमी को आज अपने गुनाहों की सजा भुगतने दीजिए। I said get out! तो वापस आ गए आप लोग? मुझे तो लगा था आप कभी वापस नहीं आएंगे। हुआ क्या है? कहीं आपका वो लाडला गुलजार मर तो नहीं गया? बकवास बंद करो सादत, गुड्डू बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसके बारे में एक लफ्ज जो तुमने कहा ना, क्या है बताएं तो, बताएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। कैंसर। कैंसर? वो तो खुद कैंसर था हमारी जिंदगियों में, उसको किस तरह से कैंसर हो गया? सादत। और मर कब रहा है वो? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। बचपन से आज तक तुमने अपने भाई से दुश्मनी ही की है, जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर उसके लिए। अब अगर मजीद एक लफ्ज भी बोला ना उसके बारे में तो क्या घर छोड़ के चले जाएंगे? तो जाइए। ठीक चले जाते, एक एहसान का ताल्लुक ही बचा था वो भी आज टूट गया। चलो शुक्रिया। ठहरिए, आप लोग कहीं नहीं जा रहे। जाने दो इन्हें, मैंने पूरी जिंदगी इनको अपने सर पे बिठा के रखा, इनकी हर बात मानी है मैंने, और अगर अब ये जाना चाहते हैं ना अपने उस चहीते गुलजार के पास तो शौक से जाएं, और अगर तुम्हारा भी दिल कर रहा है ना इनके साथ जाने का तुम भी जा सकती हो। सादत इस घर से कोई कहीं नहीं जा रहा, और अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। क्या कह रही हो तुम? इस घर में अगर कोई फालतू है और सब कुछ इससे खतरा है, और अगर इस घर में कोई बोझ है तो वो तुम। तुम जानती भी हो कि इस घर का मालिक मैं हूं। सादत तुम भूल रहे हो, तुम इस घर के मालिक नहीं हो, मेरे नाम है यह घर, और तुम्हारे होते हुए मैं और मेरी बेटी इस घर में बिल्कुल महफूज नहीं है। तो अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। महविश बेटा क्या कह रही हो? प्लीज आज आप नहीं बोलेंगे। इस आदमी को आज अपने गुनाहों की सजा भुगतने दीजिए। आई सेड गेट आउट। देखिए इडियट जुमेरात और जुमा 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।